दोस्तों, फिर हम बात करेंगे सेट्स कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, अपडेटेड लेवल्स और आने वाले दिनों में इस कॉइन के टारगेट्स क्या रहेंगे। करंटली कॉइन 0.00058 पर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट, एक अच्छा क्विक पंप इसकी प्राइस में कल से अभी तक देखने को मिला, जहाँ पर कल से अभी तक 20-25% से ज़्यादा का मूवमेंट देखने को मिला और एक अच्छे स्टेबिलिटी लेवल पर मेंटेन की हुई है। 3 दिन पहले जो हमने आपको एंट्री पॉइंट शेयर किए थे, वहाँ से अगर आपने बाय किया तो आपके पोर्टफोलियो में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और जो क्विक टारगेट्स बताए थे उन टारगेट्स को इस कॉइन ने हिट किया है और बैक टू बैक इसकी प्राइस में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अभी इस कॉइन के टारगेट्स क्या रहेंगे, कहां तक प्राइस जा सकती है, कहां पर टेक्निकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है और आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके, क्रिप्टो क्वेरीज, अपडेटेड लेवल सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कल इस कॉइन ने मूव लिया और 60 वाला लेवल एग्जैक्टली हिट किया, वहां से फिर थोड़ी सी स्टेबिलिटी मेंटेन की, बिटकॉइन में फ्लक्चुएशन देखने को मिली क्योंकि बिटकॉइन ने 64,000 वाला लेवल ट्राई किया था, वहां BTC को रिजेक्शन फेस करने को मिला और इसकी प्राइस में 4.6 तक का वापस ड्रॉप देखने को मिला। वहां से वापस ये कॉइन मूव कर रहा है और अभी इसने ऑलमोस्ट 5.93 वाला लेवल ट्राई किया। डेली का चार्ट ओपन करें तो रिसेंटली जनवरी के स्टार्टिंग में जो डंप देखने को मिला था, जहां 3.5 वाला लो इस कॉइन ने बनाया था, उसके बाद थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिला था, यहां पर इस कॉइन ने 5.7 वाला लेवल, उससे पहले यहां 5.6 वाला लेवल ट्राई किया था, तो इन लेवल्स में भी हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके बाद में अभी रिसेंट की ही हम बात करें, 3 दिन पहले मैंने आपको एंट्री सजेस्ट की थी और उससे पहले 16 February को भी एंट्री सजेस्ट की थी, जहां पर ये कॉइन यहां पर ट्रेड कर रहा था, शायद इन लेवल्स पर कहीं पर ट्रेड कर रहा था या यहां से इसमें ड्रॉप देखने को मिला, तो यहां पर हमने 4.65 की एंट्री आपको सजेस्ट की थी। उसके बाद में अभी रिसेंटली भी इसमें बहुत अच्छा लेवल था, जहां पर मैंने वापस से आपको 4.65 का ही लेवल बताया था कि यहां से अपोस्टी है और 4.55 तक का इसने लो बनाया था। उसके बाद क्विक टारगेट्स की बात करें तो 5.5 और 6.0, ये दो लेवल्स टारगेट मैंने आपको बताए थे, जहां पर आपको 60-40 के रेशियो में सेल करना है। शॉर्ट टर्म में 6.4 से लेके 6.7-6.8 तक का टारगेट बताया हुआ है। तो क्विक टारगेट्स आपके एज इट इज हिट हुए हैं, कल ही हिट कर दिए थे इसने 6.0 और 5.5 दोनों लेवल्स को। तो सबसे पहले तो जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है या पिछले वीडियो के थ्रू आपको किसी भी टाइप से हेल्पफुल वो लगा हो या आपने प्रॉफिट जनरेट किया, भाई कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आपके कमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, हमारा मोटिवेशन बना रहता है। बाकी कुछ कॉइन्स की अपडेट भी हम उस बेसिस पर शेयर करते हैं कि बहुत सारे लार्ज अमाउंट में इस टाइप के कमेंट्स आते हैं कि इस कॉइन की उनको अपडेट चाहिए, बहुत ज़्यादा लोग जल्दीबाजी में ऊपर वाले लेवल पर स्टक है या फिर एक ऐसा ट्रेंडिंग कॉइन, उसके कमेंट हमारे पास आते हैं तो हम आपको बैक टू बैक कॉइन देखिए सारे कॉइन्स के लेवल शेयर कर पाना कि 10,000 कॉइन्स है टोटल क्रिप्टोकरेंसी कॉइन्स की। अगर बात करें हम टॉप कॉइन्स की भी बात करें तो 4-5 तो क्वाइंस तो है ही, तो सभी क्वाइंस का एनालिसिस शेयर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हम भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपको मैक्सिमम क्वाइंस का एनालिसिस या जो भी अच्छे क्वाइंस है, ट्रेंडिंग क्वाइंस है, उनके लेवल आपको बैक टू बैक शेयर करें, एंट्री शेयर करें जिनमें आपको क्विक प्रॉफिट हो और ऐसे क्वाइंस जो आपको लॉन्ग टर्म में आने वाले 1-2 साल में अच्छा प्रॉफिट देंगे, ऐसे क्वाइंस में आपको सजेस्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले टेक्निकली बात कर ले तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें। यहाँ पर 5.5 वाला जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, अभी भी पिछले 2 बार इस लेवल से इसको रिजेक्शन फेस करने को मिला और अभी इस लेवल से ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। कल की क्लोजिंग 5.5 से नीचे देखने को मिली है, आज जैसे ही ये कॉइन 5.5 से ऊपर डेली क्लोज करता है तो बहुत जल्दी हमें इस कॉइन की प्राइस 7.0 पर देखने को मिलेगी, जो कि आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट हो सकता है अगर आप शॉर्ट टर्म में होल्ड रखते हैं तो। दूसरा, वीकली के अंदर भी 5.5 वाला बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, जो कि वीकली में 5.5 से ऊपर जैसे क्लोज करता तो वो सपोर्ट बन जाएगा। तो अभी यहाँ पर डेली में 5.5 के बाद 7.0 वाला नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, जिस लेवल से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन फेस करने को मिल सकता है। इसके लिस्टिंग की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में दिसंबर के स्टार्टिंग में लिस्ट हुआ था, 9.4 तक हमें प्राइस देखने को मिली थी, वहाँ इन 2 बार के ब्रेकआउट में 9.4 एक बार या 9.35 इन ब्रेकआउट में हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। सेट्स जो है वो BRC20
20 टोकन है, और स्मॉलेस्ट यूनिट है बिटकॉइन की, जिसको 1000 का मल्टीप्लाई करके और लिस्ट किया हुआ है। और इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात की तो 100 ट्रिलियन कॉइन्स जो है, 2.1 ट्रिलियन कॉइन जो है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई में है। मार्केट कैप इसकी 1 बिलियन से ऊपर की देखने को मिल रही है। अभी क्विक टारगेट्स की बात करें तो क्विक टारगेट आपके ऑलरेडी हिट हुए हैं, लेकिन अभी भी आपने होल्ड किया हुआ या कल बाई किया और अभी इस लेवल क्विक प्रॉफिट जनरेट करने के परस्पेक्टिव से अगर आपने एंट्री ली है तो अभी ये 60 को तो हिट करेगा ही, जहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट 60, सेकंड टारगेट 64 वाला रहेगा, जहाँ पर आपको 60-40 के रेशियो में सेल करना है। शॉर्ट टर्म में अगर बात करें तो आप 68 से लेकर 70 का टारगेट रख सकते हैं, जहाँ पर आपको 100% पार्ट सेल आउट करना है। इन लेवल्स पर प्रॉपर सेल लिमिट लगानी। 60 को अभी ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होगा जिसमें हिट कर देगा, 60 के बाद में नेक्स्ट लेवल आपका 64 रहेगा, 64-65 और एक इंपॉर्टेंट जोन है 70, वहाँ से थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन की पॉसिबिलिटी रहेगी। उस लेवल पर आपको शॉर्ट टर्म का टारगेट रखना है, और जो और भी लंबे टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं, यहाँ से जैसे ही 70 वाले लेवल से ऊपर ये डेली क्लोजिंग करेगा तो अपने प्रीवियस लेवल 9094 को ट्राई करेगा, और 94 इन लेवल्स को जैसे ब्रेक करेगा तो फिर 10 मतलब 10 के डिजिट और कम हो जाएगी और हमें और भी अच्छा इसकी मूवमेंट इसके प्राइस में देखने को मिलेगा। दूसरा हम बात करें वीकली में तो 55 वाला जो लेवल है वो इसको रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे इससे ऊपर क्लोज करता है ये सपोर्ट बन जाएगा। इसके बाद में 7274 वाला जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन फेस करने को मिलेगा। तो यहाँ से ओवरऑल क्या है कि 70 से लेके 72 से ऊपर जैसे ही ये डेली और उसके बाद वीकली क्लोजिंग करता है तो ये जो लेवल्स हैं इन लेवल्स को ये ट्राई करेगा। तो आप अगर आने वाले 2-3 मंथ 6 मंथ इस कॉइन को होल्ड करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आप उस टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा। दूसरा, जिन्होंने एंट्री नहीं ली है, जिन्होंने अभी तक बाई नहीं किया इस कॉइन में या दूसरे कॉइन्स में बाई नहीं किया, यूएसडीटी वॉलेट में है, तो जल्दीबाजी में ऊपर वाले किसी कॉइन में स्टक नहीं होना है, थोड़ा सा करेक्शन का वेट करें। देखिए मार्केट हर बार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, वापस से अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलेगी, अब वो 10 दिन बाद 15 दिन बाद या 1 महीने का वेट करना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा वेट करें। और इस कॉइन में अगर एंट्री देख रहे हैं, इस कॉइन को बाय करना चाहते हैं, तो अभी 50 से नीचे नीचे आपको एंट्री लेनी, मतलब 50 से पहले एक अच्छा लेवल नहीं है, 50 से नीचे प्राइस आती है तो आप एंट्री ले सकते हैं, हमारी तरफ से एंट्री आपको सजेस्ट कर दी जाएगी। इसके अलावा जो भी नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं जिनको ज्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में जरूर इनरोल करें, वहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, क्रिप्टो क्वेरीज अपडेटेड लेवल सिग्नल शेयर की जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहां पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहां पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।